जय लक्ष्मण सीत बाबा की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों अभी आज छुट्टी का दिन है फिर, और हाय गुड मॉर्निंग बिना भी आ गई है। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण सीत सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज है संडे और पहले सिद्ध बाबा के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद आज बच्चों के साथ कहीं घूमने का प्लान है नई जगह, तो फिर वो ब्लॉग में मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। क्यों भाई, किधर चलना है आज? आज चलेंगे, क्यों बताऊँ, जब हम चलेंगे तब देखना। अभी अमन और शुभ हो रहे हैं रेडी, तब तक जो है हमने कहा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो निकल चुके हैं हम लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के लिए और हाईवे पे मैं आ भी गया हूँ। आप बहुत प्यारा मौसम है, आज धूप निकल रही है, खिली खिली धूप। तो अब लक्ष्मण सीधा मैं पहुँचने ही वाला हूँ थोड़ी देर में बस। और अब हम आ गए मणिमाई मंदिर पे, बस एक सेकंड में हम पहुँच रहे हैं। ये देखिए शायद आपको दिख भी रहा होगा मंदिर, जय माता। अब आ गए हम लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में, ये देखिए, ये तो आप सब जानते ही हो लेकिन मजा आता है इसे दिखाने में। बहुत सुंदर व्यू है। और लास्ट टाइम तो हम बहुत सुबह सुबह आए थे ना, तो वॉकर्स भी थे यहाँ पे ना, कितने सारे वॉकिंग के लिए जा रहे थे लोग। कितना ये बड़ा अच्छा लगता है जब यहाँ से ऐसे चलते हैं ना, सामने मंदिर दिखाई देता है चढ़ाई होके। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर पहुंच गया हूं मैं, और अब पहले करूंगा मैं गाड़ी को पार्क। आज गाड़ी पार्क भीड़ भी बहुत, थोड़ा लेट हो गया मैं आ जाने में, तो गाड़ी कहां पे पार्क होगी ये इधर ही कर देंगे। ये देखें गाड़ी के ऊपर किसी की मंकी चढ़ा हुआ, और एक वो जा रहा है ऊपर बंदर पेड़ पे। मैं तो नहीं उतरूंगी, ये बैठा हुआ है गाड़ी में उधर से। ये देखें अमन और हम चल दिए हैं अब मंदिर के लिए, वीना अमन हम सब चल दिए, और अमन उधर जा रहा है भिंडी का प्रसाद लेने के लिए प्रदीप भाई की दुकान पे। प्रदीप भाई प्रसाद दे देना, नमस्कार, प्रसाद दे दो। पहुंच गया हूँ मंदिर, कितनी प्यारी दुकानें लगी हुई हैं। जय लक्ष्मण सिद्ध महाराज की। गाड़ियाँ बहुत थी लेकिन मंदिर में छेड़ है। पंडित जी नमस्कार, जय हो सिद्ध बाबा, जय लक्ष्मण सिद्ध महाराज, सदा उन्हें महर्षि बनाए रखना, गलती सलती माफ करना। जय श्री बाबा, जय लक्ष्मण सिद्ध बाबा की। भोले शंकर के मंदिर में, जय भोले शंकर महाराज, सदा कृपा शिव, जय शिव शंकर भोलेनाथ बाबा, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय शिव, जय भगवान का रुद्राभिषेक जल अभिषेक कर रहे हैं। जय जय शिव शंकर भोलेनाथ। इधर चल रही है भंडारे की तैयारी। जय अखंड प्राचीन अखंड गुणा, भंडारों की तैयारी चल रही है। यहाँ भी देखिए कितने भंडारे हैं, इधर भी भंडारों की तैयारी है लक्ष्मण सिद्ध मंदिर पे। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। तो दर्शन हो गए हैं हमें, बहुत अच्छे दर्शन, छीड़ है आजकल मंदिर में तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए। जय शिव शंकर भोले नाथ। वीना और अमन भी आ गए हैं दर्शन करके,
ये देखिए छीड़ है बिल्कुल, आज बिल्कुल छीड़, गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी यहाँ पे कार की, लेकिन छीड़ है मंदिर में। तो जय लक्ष्मण श्री बाबा, दर्शन हो गए हैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। अब आ गया हूँ मैं गाड़ी पे अपनी, अब चलते हैं डोईवाला की तरफ। तो मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ और वीनार जो हैं आ रहे हैं, अभी गाड़ी निकाल लेते हैं पार्किंग में से बाहर। वीना भी आ गई है दोस्तों, बड़ा मन और गए हुए हैं ब्रेड पकौड़े लेने के लिए, इनका मन कर गया गाड़ी में ही कि थोड़ा सा ब्रेड पकौड़े खाएंगे। तो इसलिए मंदिर में आके ना पकौड़े बनते हैं ना, मन करता देख के, और ये ना बहुत जल्दी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अच्छा, सुबह सुबह लग रही है टिक्की, टिक्की की दुकान है अभी। देखिए अमन और शुभ आ गए हैं ब्रेड पकौड़े लेके, ये देखें आगे मिल गए बेटा। गाड़ी में खाने का भी अपना ही मजा है। मुझे तो गाड़ी में खाने का उधर लगाए लाना तो है, तो जा मत खोले ना, तो लाना ही है। एक उड़ी जैसे हुई है, ब्रेड पकोड़ा देख के मन कर गया होगा तुम्हारा। अच्छा, अरे वो एकदम गरम गरम बना रहे थे, बहुत अच्छी लग रही थी खुशबू एकदम। एक एक पीस मेरे को सॉस लेके आया, सॉस तो चटनी फिर किस जाती है। तो अब तो गाड़ी खड़ी है ना, ये लोग मुझे वो गलत। तो ये देखें कितना प्यारा है दोस्तों ब्रेड पकोड़े, गर्म गर्म ब्रेड पकोड़े आ गए। मेरा मन नहीं था लेकिन ऋषभ ले आया तो मैं खा रहा हूँ। और ये चिप्स भी, ये भी इनके लिए आएंगे, कुरकुरे इतने सारे डाल के लाए हैं बच्चे गाड़ी में, हैं सुबह सुबह। अच्छा कुछ नहीं देखा, दो हल्का सा ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा हमारा सबका, तो फिर हम चलेंगे अब घर के लिए दोस्तों। बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़े प्रदीप भाई, ये बहुत टेस्टी, कैसे हैं? बहुत टेस्टी, मिक्स करवा देगा मैं आलू गोभी में, और साथ में एक गोभी पकौड़ा। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।